अनंत आनंद शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अधूरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जनशासरतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं और बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और अरविंद रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्यन सूत्र 29वां अध्याय सम्यक् पराक्रम और उसी के अंतर्गत स्तव स्तुति मंगल नुमोत्तुण के पाठ का मीनिंग हम श्रवण कर रहे हैं, जिस पाठ के माध्यम से इंद्र महाराज तीर्थंकर प्रभु को वंदन नमन करते हैं। उसी मंगलमय पाठ का भावार्थ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक हमने नौ मोथुणम अरिहंताणम भगवंताणम आयंगराणम तिथैराणम स्वयं संबुद्धाणम पुरी सुत्तमाणम पुरी ससिहाणम पुरी सवर पुंडरियाणम पुरी सवर गंधत्थीणम लोग उत्तमाणम लोग नहाणम लोग हियाणम लोग पैवाणम लोग पुज्जोयगराणम अभय दयाणम, यहाँ तक पहुंचे थे। तो अभय दयाणम के अगला स्टेप है चक्षु दयाणम। जो चक्षु देने वाले, चक्षु का मतलब आंख, आंख के बिना जीवन कितना कठिन है ये शायद हम लोग जज नहीं कर पाते। मगर यदि कभी आप किसी ब्लाइंड स्कूल में विजिट करें या किसी ऐसे व्यक्ति से आपका मिलना हो जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी उठाना है तो पहले ढूंढेगा, थामेगा, रोड भी क्रॉस करनी है तो बड़ा विचार करके कभी किसी का सहारा लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ेगा, कभी वो स्वतः चढ़ेगा। मगर जिंदगी कितनी कठिन है। और जिस व्यक्ति की आंखें ठीक ठाक है, सलामत है, उस व्यक्ति के लिए अपना हित और अहित मीन्स कहाँ पैर रखना कहाँ पांव नहीं रखना ये बातें उसे इजीली अंडरस्टूड हो जाती है। तो एक तो है द्रव्य की आंखें जो हमारी चमड़े की आंखें हैं और एक आंखें हैं भीतर की आंखें जिन्हें हम विवेक की आंख बोलते हैं कि जिससे आत्मा अपना कल्याण और अपना पतन किन किन मार्ग पर गमन करने से होता है इसको जानने लग जाता है। तो तीर्थंकर प्रभु चक्षु देने वाले कैसे हैं? चक्षु देने वाले और ऐसे प्रभु को न मोथुण क्या करना है? भाव वंदन। अगला पॉइंट आता है मग्ग दयाना। मग्ग दयाना का मतलब मार्ग बताने वाले, मार्ग दिखाने वाले। अब विचार करना है, दुनिया में तो बहुत से लोग हैं जो अपने अपने तरीके से मंजिल पर पहुंचने के रास्ते बताते, मगर लिखने वाले ने लिखा है मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, मंजिल से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग,
हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। मीन्स एक व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल निर्मल प्रज्ञा वाला, ना जैसे किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति घृणा या नफरत है। और यदि कोई मार्ग जानना चाहता है शांति का, तो यदि वो प्रभु से ऐसे वितराग आत्मा से कुछ पूछता है तो बिल्कुल करेक्ट बताते। और ध्यान देना है, द्रव्य से तो दो मार्ग हैं, एक संयम का और एक असंयम का। भाव से संयम का मार्ग सन मार्ग है और असंयम का मार्ग उन मार्ग है। और द्रव्य से जो टूटा फूटा अनसेफ रास्ता है, रूट है, उस रूट को क्या कहा जाता है? द्रव्य से गलत रास्ता। और जो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती जिस रास्ते पे जाने से, उस रास्ते को द्रव्य से सन मार्ग कहा जाता है। तो जो आत्मा को सन मार्ग दिखाने वाले, जो मंजिल से जोड़ दे, जो मंजिल तक पहुंचा दे, मंजिल का मतलब एवरलास्टिंग शांति, जो सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी शांति के मुकाम तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो मार्ग देते हैं, उन्हें क्या कहा? मग्ग ध्यान। अगला पॉइंट है शरण ध्यान। शरण का मतलब जहां पहुंच करके व्यक्ति निर्भय हो जाए, जहां पहुंच करके व्यक्ति निर्भय हो जाए, उसे कोई डर ना लग रहे, कोई फिक्र ना रहे, अर्थात उसको एक डिफेंसिंग शील्ड मिल जाए, एक आश्रय मिल जाए, उसे कहा जाता है आश्रय। और प्रभु समस्त जीव राशि को क्या देने वाले? शरण देने वाले। अब डिपेंड करता है कोई उनकी शरण लेता है या नहीं लेता है, मगर प्रभु का द्वार, प्रभु का ज्ञान, प्रभु की हर समझ, मीन्स प्रभु का हर मार्ग सबके लिए दरवाजा खुला है कि तुम जब चाहो आ सकते हो। भले आज प्रभु हमारे पास नहीं, मगर प्रभु की जो वाणी है वो तो हमारे पास है। और जब कभी हम उसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सन मार्ग कौन सा, उन मार्ग कौन सा, शांति की दहलीज तक पहुंचाने वाला रास्ता कौन सा, और फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन और जिंदगी के तनाव का रास्ता कौन सा। तो प्रभु ने कहा जो आसक्ति का मार्ग है वो उन मार्ग है, जो विरक्ति का मार्ग है वो सन मार्ग है। तो जो इन बातों को बताने वाले हैं उन्हें क्या कहा? मग्ग ध्यान। तो मीन्स न मोथुणं मग्ग ध्यान, नमस्कार है किन्हें? मार्ग देने वालों को। क्योंकि यदि हमें गुरुजन नहीं समझाते, नहीं सुनाते धर्म की बातें, तो हमें सन्मार्ग का बोध कहाँ से होना था? यदि आगम पढ़ना छोड़ देते तो भी हो सकता है कि दुनिया के संस्कारों से प्रभावित होकर के व्यक्ति उन मार्ग पर प्रसीड करने लग जाता। मगर जिन्होंने वो रास्ता दिया, आचार्यों ने संभाला, गुरु परंपरा से आज मिला, तो हम परंपरा से मूल देखा जाए, ओरिजिन है जो, उनको क्या कर रहे हैं? न मोथुण। और अगला पॉइंट दिया है जीव ध्यान। जीव ध्यान का मतलब आप कहेंगे महाराज जीव आत्मा तो ऑलरेडी हमारे पास है, क्या वो शरीर में आत्मा डालते हैं? तो ऐसा मीनिंग यहाँ नहीं। यहाँ जीव का मतलब है जीवन देने वाले। दो तरह के जीवन है, एक जीवन तो ऐसा है, एक जिंदगी तो ऐसी है जो खुद को भी बोझ लगती है और दूसरों के ऊपर भी व्यक्ति बोझ बन जाता है। मगर एक जिंदगी, एक जीना ऐसा है जहाँ व्यक्ति खुद को भी रिलैक्स फील करता है, दूसरों को भी विश्राम, शांति और प्रसन्नता बांटता चला जाता है। तो विचार करना है सच्चा जीवन कौन सा है। पोइट्री में एक लाइन आती थी, वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, कि हम अपने अच्छे कार्यों के कारण पहचाने जाते हैं। व्यक्ति यदि सपोज 100 साल का भी हुआ, मगर उसने 100 साल में 100 अच्छे काम भी नहीं किए,
तो ऐसी जिंदगी, तो कैलेंडर की डेट बदली और उसने अपना भविष्य भी धूमिल कर लिया, पुण्य की संपत्ति खर्च ली, खा ली, पाप बढ़ा लिया। तो इट मीन्स जो प्रभु हमें सच्चा जीवन देने वाले हैं कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, वो जीवन जीने की कला सिखाने वाले कि जिंदगी में कर्म बंध कैसे होता है, कर्म से छुटकारा कैसे होता है, वो सारा विज्ञान देने वाले। और यदि सुना है तो व्यक्ति कितनी जगह बच जाता है पाप करते करते, और यदि कर लिया है तो आलोचना करके उस गाढ़ बंधन को शिथिल कर लेता है, लूज कर लेता है। तो मीन्स जो हमें सच्चा जीवन देने वाले उन्हें क्या बोला, जीव दयान। अगला पॉइंट है बोही दयान। बोही दयान का मतलब जो हमें बोध देते हैं। अब बोध भी तीन तरह के होते हैं, ज्ञान का बोध, श्रद्धा का बोध और चरित्र का बोध। जो हमें ज्ञान का बोध देते हैं, जो हमें श्रद्धा कहाँ पे टिकानी है, किस पर विश्वास करना, किसके प्रति समर्पण रखना, उन बातों को बताते हैं। जो हमें चरित्र पालने की प्रेरणा देते, जो हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं कि हमें कैसा चरित्र, कैसी प्रैक्टिसेस करनी है साधना के शिखर तक पहुंचने के लिए। तो उन्हें क्या कहा, वो ही दया। आगे चलें तो अगला पॉइंट है धम्म दया, जो धर्म देते हैं। क्योंकि कहा जाता है लब्भन्ति पुत्र मित्तानि एवो धम्मो न लब्भे, कि दुनिया में व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, घर भी, परिवार भी, बच्चे भी, मगर यदि एक चीज है नहीं मिलती तो वो कौन है, कहते हैं धर्म। अर्थात धर्म को प्राप्त करना ये सबसे मुश्किल वाला काम, मगर यदि हमें किसी ने धर्म दिया तो किसने दिया, सबसे पहले देखा जाए वो धर्म तीर्थंकरों ने गणधरों को दिया, गणधरों ने हमारे तक पहुंचाया, वो श्रुत धर्म है, वो चारित्र धर्म है, वो अस्थिकाय धर्म है। मीन्स जो धर्म देने वाले हैं उन्हें क्या कहा, धम्म दयान। तो ऐसे धर्म का दान देने वाले प्रभु तीर्थंकर परमात्मा जो सिद्ध गति में विराजमान है उन्हें मेरा भाव वंदन। अब अगला पॉइंट है धम्म देशयान, जो धर्म की देशना देते। आप कहेंगे महाराज जी पहला भी तो वही था, अब दोबारा से देशना का मतलब क्या हुआ। देशना का मतलब है निर्देशन देना। निर्देशन देना मतलब जैसे ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे तो धर्म होगा और ऐसे करोगे तो अधर्म होगा। मीन्स दो टाइप से विधि और निषेध रूप, विधि और निषेध रूप। विधि का मतलब विधान करना कि तुम ऐसा करो, और निषेध का मतलब रोकना कि ऐसा मत करो। प्रभु ने कहा क्रोध मत करो, 18 पापों का सेवन मत करो। अब इसी में 18 पापों में सारा कुछ आ जाता है, या आश्रव का सेवन नहीं करो, और इन चीजों को फॉलो कैसे करना है उनका निर्देशन देने वाले जो है उन्हें क्या कहा, धम्म देशयान, जो धर्म की देशना, जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे सिद्ध आत्माओं को, ऐसे गुरु भगवंतों को मेरा नमन है। क्योंकि हमने ऑलरेडी सुना था ना कि नमोत्थोण सिद्धों को तो कंपलसरी है, और यदि प्रेजेंट में तीर्थंकर हो तो उन्हें, और वरना तीसरा नमोत्थोण अपने धर्माचार्य धर्मोपदेशक को। मगर हमारी आज की मान्यता में दो नमोत्थोण ही चलते हैं। अब अगला पॉइंट है धम्म नायकगण, जो धर्म के नायक है। नायक इसको बोलते हैं, नायक का मतलब हीरो, नायक का मतलब हीरो, नायक का मतलब जैसे आजकल कंपनीज को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए एम्बेसडर्स होते हैं, इसी प्रकार धर्म तो शाश्वत चीज है,
धर्म तो शाश्वत चीज है, मगर उस धर्म को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, तो वो खुद उस धर्म को इतने सुंदर तरीके से पालन करते हैं कि उनकी जिंदगी की शांति को, समता को, ज्ञान को, अलौकिकता को, उनकी रिद्धियों को, उनकी सिद्धियों को, उनके अतिशयों को देख करके लोग सोचते हैं कि यदि बनना है तो इन जैसा बनना है। हीरो वही होता है ना, जिसको तुम देख करके ये भावना भाते हो कि मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा बनना है। तो कहा जो हमारे मतलब जो मोक्ष जाने की अभिलाषा रखते हैं, उन आत्माओं के जो नायक है, उन्हें क्या कहा? धर्म नायक, धम्म नायकान। अर्थात वो धर्म, प्रैक्टिकल जो धर्म है, जो श्रुत धर्म है, उसको आगे लिख करके जाते हैं। नायक किसे कहते हैं? जो किसी चीज को आगे लिख करके जाता है। तो प्रभु तीर्थंकर आत्माएं कैसी हैं, सिद्ध आत्माएं कैसी हैं? कहा धम्म नायकान, वो धर्म के नायक थे। अब अगला पॉइंट है धम्म सारहीनम, जो धर्म के सारथी। धर्म सारथी का मतलब, सारथी किसे बोलते हैं? जो रथ चलाने वाला होता है। रथ चलाने वाले को क्या बोलते हैं? अब एक तो है सारथी, एक है रथ, और एक है उस रथ के ऊपर बैठने वाला। तीन चीजें हुई ना। अब जिसने तीर्थंकर भगवंतों को अपने धर्म रूपी रथ का क्या बनाया है? सारथी। और वो खुद उसके ऊपर सवार हुआ है और क्या कहता है कि हे प्रभु, आपने मुझे गाइड करना है, आपने मेरा मार्गदर्शन करना है, आप जहां ले चलोगे, वचन आता है ना, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। कृष्ण महाराज के लिए आता है कि जब पांडव उनके पास आए और उधर से दुर्योधन आया है, तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। दुर्योधन ने कहा कि पहले मैं आया था, मैं भी मांगने आया हूँ। मगर श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने सर्वप्रथम अर्जुन को देखा हुआ मेरे पैरों की ओर बैठा था, और तुम्हें तो मैंने बाद में देखा है कि तुम सर की ओर खड़े थे। तो जैसे ही सुना तो थोड़ा दिल मिला गया, तो अर्जुन को फर्स्ट ऑफर किया कि तुम मांगो कि क्या मांगते हो। तो उसने कहा, महाराज लड़ने के लिए तो हम पांच भी बहुत है, हमें क्या चाहिए? मात्र आपका सहयोग कि मेरे रथ को चलाने वाले मुझे युद्ध रणभूमि में दिशा निर्देशन देने वाले, मुझे गाइड करने वाले आप बने, मुझे और सेना, मेरे को और ज्यादा रथ, हाथी, घोड़े कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन अंदर से बहुत खुश हो रहा है, कितना बेवकूफ है कि मैं जो मांगने आया इसने वो चीज मांगी नहीं, चलो मेरा बचाव हो गया। मगर आप लोग रिजल्ट सुनते ही है कि कौन विजयी हुआ था, कौन विजयी हुआ था, पांडव हुए थे या दुर्योधन की टीम हुई थी। इसी प्रकार विचार करना है, जो आत्मा अपने गुरुओं को, अपने भगवंतों को सारथी बना करके, सारथी मतलब प्रमुख मार्गदर्शक बना करके कि मेरी जिंदगी की गाड़ी को चलाना आपने है, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, जैसा आप चलाना चाहेंगे हे प्रभु मैं वैसा चलूं, और यदि इस तरह चलेंगे तो मंजिल तक सेफली पहुंच जाएंगे। और सारथी का एक मीनिंग और रहता है, सारथी मतलब साथी, सारथी का मतलब साथी, सहयोगी, जिसको हम कह सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाला है, या जो आपके प्रति बड़ा अपनत्व रखने वाला। तो हमारे सहयोगी कौन है धर्म के मार्ग पर, यदि हम प्रगति करना चाहते हैं? कहा करते हैं ना, यदि तुम्हें साथी बनाना है तो किसे बनाओ? भगवान को बनाओ। दुनिया के साथी तो बदलते रहेंगे, आज कुछ है, आज तुम्हारे स्वार्थ कंप्लीट हो रहे हैं, तुम्हारी डिजायर्स फुलफिल हो रही है, या तुम किसी के डिजायर्स की फुलफिलमेंट में कारण बन रहे हो, तो वो तुम्हारे साथ ज्वाइन रहेगा, तुम्हारे साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखेगा। मगर जब तुम उसका कुछ करने में समर्थ नहीं होते, या तुम्हारे से कभी कर्म वश कुछ उसका गलत हो जाता है, तो व्यक्ति ऐसा रूठता है कि कई बार सालों साल के जिंदगी भर नहीं बुलाता। मगर कहा तुम्हें साथी बनाना है तो किसको बनाओ?
भगवान को साथी बनाओ। साथी बनाना है तो किसे बनाओ? गुरु भगवंतों को अपना साथी बनाओ। साथी का मतलब जो तुम्हारे साथ दे, अर्थात जो तुम्हें धर्म के मार्ग से कभी भटकने ना दे। साथी का मतलब जो साथ चले। साधु सतिया जी भी धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तुम्हारा भी वही लक्ष्य है। अर्थात यदि साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है, तो क्या कहा? धम्म सारहीन, जो धर्म रूपी रथ के सारथी है, मेरी इस यात्रा के सहयोगी है, मैं उन्हें क्या करता हूँ? नमोथुण, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। अगला पॉइंट आ रहा है, धम्म वर चाओ रंध चकवटी, जो धर्म रूपी, वर का मतलब है श्रेष्ठ, जैसे बोल देते ना प्रवर, प्रवर का मतलब जैसे उपाध्याय, प्रवर, प्रवर मतलब वर मतलब श्रेष्ठ, प्रवर मतलब कुछ ज्यादा श्रेष्ठ, अर्थात बाकी सामान्य रूप में भी और भी श्रेष्ठ होंगे मगर ये उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ, तो प्रवर शब्द बोला। और दुनिया में बोल देते हैं ना वर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो वर का मतलब जो प्रधान है, जो श्रेष्ठ है। और कहा धर्म वर, अर्थात जो धर्म के प्रधान, अर्थात चाउरंग चक्रवर्तीन, जैसे चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब जिसकी आज्ञा, जिसका प्रभाव चारों दिशाओं में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती। और प्रभु तीर्थंकर आत्माएं कैसी रहती है, सिद्ध आत्माएं कैसी रहती है? जो चाउ रंध अर्थात चतुर्गति रूप, चतुर्गति रूप मतलब चार गतियां हैं, नर गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। तो जो आत्माएं ऐसी साधना, ऐसा पराक्रम जागृत करती है कि जो चारों गतियों में ले जाने वाले कर्म है उन कर्मों का ही अंत कर देती है, और ऐसी आत्माओं को धर्म चक्रवर्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्रवर्ती, अर्थात जिनके धर्म का चक्र, जिनकी धर्म की बातों का जो चक्र है वो स्थान स्थान पर घूमता है। एक चक्र तो वो है जो देवाधिष्ठित चलता है, मगर यह चक्र कौन सा? जो आत्मा के भीतर बैठे हुए पापों का संहार करने के लिए समर्थ है, ऐसा जो चक्र जिनका है उन्हें क्या कहा? धर्म चक्रवर्ती। और ऐसे प्रधान धर्म के जो चक्रवर्ती के समान श्रेष्ठ है, उत्तम है, और चारों गतियों के योग्य जो कर्म है उनका अंत विनाश करके जो सिद्ध गति में जाने वाले हैं उन्हें धर्म चक्रवर्ती कहा। आगे चले तो अगला पॉइंट आता है कि वो तीर्थंकर आत्माएं कैसी है, दीवो तान शरण गई पैठान, अर्थात वो आत्माएं कैसी, उन्होंने कैसा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पर पॉइंट है कि उन वो आत्माएं कैसी है, और इतना यहाँ पर और ध्यान रखना है, प्राचीन प्रतियों में ये दीवो तान शरण गई पैठान पाठ नहीं आता, और जब हम मंदिर मार्गी संप्रदाय में सुनते हैं तो वहां पर जीव दयाणम और प्लस यही देवोतान शरण गई पैठाणम पाठ नहीं रखा गया, मगर स्थानकवासी परंपरा, तेरापंथी परंपरा मीन्स इन परंपराओं में यह पाठ इसी रूप में, यह देवोतान शरण गई पैठाणम इंक्लूडेड है। तो इसका रीजन क्या है इसके पीछे? तो हम रीजन यदि शास्त्रों के साथ मिलाएं तो हमारे पास जो केशी गौतमी अध्ययन है उत्तराधायी सूत्र में, केशी गौतम जी का जो संवाद आता है वहां पर 23वें अध्याय की 68th गाथा है, जरा मरण वेगेण बज्ज माणान पाणिन धम्मो दीवो पैठाय गई शरणमुत्तम, अर्थात दुनिया के लोग ऐसे समुद्र में है जहां पर बुढ़ापे की लहरें आ रही हैं, जहां पर मृत्यु की लहरें आ रही है, और यह आत्मा कितनी बार उन लहरों की चपेट में कभी कहां जाता है, कभी कहां जाता है।
मगर क्या ऐसा कोई स्थान है जहां पर इस आत्मा को शांति मिल सके, शरण मिल सके? क्या ऐसा कोई द्वीप है, कोई उस समुद्र में उन्नत भूमि भाग है, कोई ऐसा एलिवेटेड ग्राउंड है जहां पर वो आत्मा प्रोटेक्टिव होकर के वहां रह सके? तो ये प्रश्न किया था श्री केशी श्रमण जी महाराज ने। तो गौतम स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि धर्म ऐसा द्वीप है। धर्म क्या है? धर्म ऐसा द्वीप है। और धर्म देखा जाए तो तीर्थंकर आत्माएं अपने निश्चय धर्म में, धर्म मतलब स्वरूप में विराजमान है। निश्चय रूप से वो अपने स्वभाव में, ज्ञान में और अनंत दर्शन में वो विराजमान है। इसलिए धर्म और सिद्ध आत्मा, धर्म और अरिहंत आत्मा, इन दोनों को हम अलग नहीं कह सकते। वो दोनों क्या है? वो एक रूप है। उस दृष्टि से तीर्थंकर आत्माओं को धर्म रूप ही मानना है। और इन्हें जब धर्म रूप मानना है तो फिर वहां पर बात घटित हो जाती है कि तीर्थंकर आत्मा ऐसा द्वीप है, ऐसा प्रतिष्ठा है, ऐसी गति है, ऐसी उत्तम शरण है जहां पर उन लहरों की चपेट के कारण जो प्रभावित आत्माएं हैं, यदि उन्हें यह स्थान मिल जाए तो वो इन चीजों से अप्रभावित रहती है। मीन्स उनके ऊपर इन चीजों का फिर असर नहीं पड़ता। तो उसी सेंस से हो सकता है पाठ यहाँ पर आया है, और कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है और बिल्कुल प्योर है। अब हम इन चीजों में तो जान नहीं सकते कि कौन से वाला पहले वाला रहा होगा। हो सकता है जो प्राचीन है उससे भी जो प्राचीन है उसमें ये चीज रही हो, मगर हमें जिस परंपरा में है उसको अंडरस्टैंड करना है और उसी को फॉलो करना है। तो देवो दान शरण गई पैठाना, द्वीप का मतलब जहां साइड्स पे क्या है, पानी है, और सेंटर में जो उन्नत एक भूमि का जो भाग है जिसे हम आइलैंड बोल देते हैं, ऐसा जो आइलैंड है उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति सपोज बह रहा है, डूब रहा है, उसको यदि समुद्री यात्रा पे निकला है तो उसका सपोज करो जहाज भी टूट गया, और उस व्यक्ति को यदि कोई ऐसा स्थान दिख जाता है तो उसको कितनी रिलैक्सेशन मिलती है। इसी प्रकार दुनिया में प्रॉब्लम्स ढेर सारी है, मगर जब उनका कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दिखाई देता, किसी से हेल्प नहीं मिलती, तो व्यक्ति क्या सोचता है, अब तो भगवान के भरोसे छोड़ दो। अर्थात भगवान ऐसा उन्नत द्वीप है, यदि हम उस द्वीप तक पहुंच जाते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। और हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तीर्थंकर भगवंतों ने जो मुकाम पाया है, मीन्स ये संसार तो किसके समान है, समुद्र के समान है, मगर वो द्वीप कौन सा, बिल्कुल ऊंचाई पर पहुंच जाए तो जो लोकाग्र है। लोकाग्र क्या है? लोकाग्र क्या है? उसी द्वीप के समान उन्नत स्थान है जहां पर ना जन्म की लहरें आती है ना मृत्यु की लहरें आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर वही जाएगा जो कर्मों से मुक्त है। ये तो एक निश्चय वाला मीनिंग निकला। व्यवहार के धरातल पे हम तुम लोगों के लिए भी प्रैक्टिकली ऐसा द्वीप कौन सा है, तो वह है जब आत्मा उन सिद्ध भगवंतों का, अरिहंत भगवंतों का स्मरण करता है, उन्हें नमन करता है, तो उसकी आत्मा सपोज बहुत सी प्रॉब्लम्स के सागर में डूब रहा था, तो उसे क्या मिल जाती है, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसे एक सहारा मिल जाता है, उसे कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो कहा वो आत्माएं कैसी हैं, द्वीप के समान है।